वो कौन सा मार्केट या बिजनेस सेक्टर है जो आपके सोलर बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। हाय, मैं हूं अंकित शर्मा। आई एम फाउंडर ऑफ सोलर एनर्जी बिजनेस डॉट इन। आई एम अ बिजनेस कोच एंड अ सोलर बिजनेस ट्रेनर। आज के इस वीडियो में मैं उस एक मार्केट के बारे में बताऊंगा जो इनडायरेक्टली आपके सोलर बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। हर इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। बहुत सारे बिजनेस मॉडल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स जो हैं वो केमिस्ट शॉप के बिजनेस मॉडल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो स्कूल्स एंड स्टेशनरी शॉप्स का जो बिजनेस मॉडल है एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी तरह एनर्जी इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी का जो मार्केट सेक्टर है वो सोलर का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है जो सोलर सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने सोलर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोलर एनर्जी आउटलुक के जरिए मैं सोलर बिजनेस के मार्केटिंग एंड प्रमोशन की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। उन इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में डिप्लॉय करके आप अपने सोलर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर बेसिकली उन सारे अप्लायंसेस का एक कंबाइंड सेक्टर है जो अपने ट्रेडिशनल काउंटर पार्ट से कम पावर कंज्यूम करते हैं फॉर द सेम डिजायर्ड आउटपुट। बेसिकली वो एनर्जी एफिशिएंट है, वो कम पावर कंज्यूम करते हैं और सेम आउटपुट देते हैं। अगर आप सोलर बिजनेस करते हैं तो आप जानते हैं कि सोलर में प्राइस कम करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एंड ऑफ द सीजन सेल ला देंगे, आप 40% या 50% का डिस्काउंट देकर क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सोलर में प्राइस कम करने की गुंजाइश बहुत कम है। सोलर सॉल्यूशन कॉस्टली होते हैं। क्लाइंट की पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट जितनी बढ़ती रहती है सोलर सॉल्यूशन का प्राइस भी उतना ही बढ़ता रहता है। ऐसे टाइम में सोलर के प्राइस को कम करने का इकलौता जो तरीका है दैट इज हम लोड को कम करें। अब लोड को कम कैसे करें? एक बेसिक तरीका है कि आप अप्लायंसेस को अनप्लग कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। बट ये कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बेसिकली एक जुगाड़ है जिससे आप लोड कम करते हैं। तो लोड कम करने के क्या तरीके हैं बिना अप्लायंसेस को अनप्लग किए, बिना अप्लायंसेस को यू नो स्विच ऑफ किए? तो उसका एक ही तरीका है, ट्रेडिशनल अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से चेंज कर दिया जाए, उनको रिप्लेस कर दिया जाए। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का पावर कंजम्पशन कम होता है तो वो सोलर पे लोड कम डालेंगे, वो ओवरऑल जो लोड है उसे कम करेंगे, जिसकी वजह से कम पावर जनरेशन वाले सोलर सॉल्यूशन को यूज करके आप अपने पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का जो पावर कंजम्पशन होता है वो ट्रेडिशनल अप्लायंसेस से 40 से 50% कम होता है, जो कि ओवरऑल पावर कंजम्पशन की लोड को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। लकली इंडियन मार्केट में वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस आ चुके हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है दैट इज अ फैन। और बाय फैन आई मीन सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन, टेबल फैन, ऑल काइंड ऑफ फैंस। ट्रेडिशनल सीलिंग फैंस की अगर हम बात करें जो हमारे घर में यूज होता है, उसका पावर कंजम्पशन 75 वॉट्स है। बट उसका जो काउंटर पार्ट है, उसका जो एनर्जी एफिशिएंट काउंटर पार्ट है, उसका पावर कंजम्पशन सिर्फ 28 वॉट है, विच इज़ लाइक 60% लेसर। मतलब अगर हम अपने सीलिंग फैन को, अपने ट्रेडिशनल सीलिंग फैंस को एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस कर दें तो हम 62% पावर कम कंज्यूम करेंगे। चलिए ये देखते हैं कि सिर्फ एक सीलिंग फैन कैसे सोलर सेक्टर को अफेक्ट कर सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेसिडेंशियल सोसाइटी का, 2 BHK फ्लैट वाले रेसिडेंशियल सोसाइटी का। उस सोसाइटी में हम कंसिडर करते हैं 300 फ्लैट हैं, हर फ्लैट में 2 सीलिंग फैन लगे हुए हैं जिनका रनिंग टाइम 5 आवर्स है, मतलब हर फैन 5 घंटे के लिए चलता है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये सारे फैन ट्रेडिशनल फैन हैं जिनका पावर कंजम्पशन 75 वॉट है। तो अगर हर फैन 5 घंटे के लिए चल रहा है तो एक फ्लैट का जो पावर कंजम्पशन एक दिन का है दैट इज 750 वॉट्स। 750 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है एक फ्लैट एक दिन में। तो 300 फ्लैट्स का जो पावर कंजम्पशन है वो है 225 किलोवाट। 225 किलोवाट ऑफ पावर सिर्फ और सिर्फ पूरे सोसाइटी के सीलिंग फैंस कंज्यूम करते हैं। अगर हम इन्हीं सीलिंग फैंस को अगर हम एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस कर दें जिनका पावर कंजम्पशन सिर्फ 28 वॉट है, तो ये 225 किलोवाट का पावर कंजम्पशन 84 किलोवाट के पावर कंजम्पशन पे आ जाता है। इतना इफेक्ट डालता है सिर्फ एक सीलिंग फैन। तो कंसिडर कीजिए कि अगर हम पूरी कंट्री का, पूरे इंडिया के सीलिंग फैंस को
एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस कर दें तो कितना ज़्यादा पावर हम सेव करेंगे। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि वही रेसिडेंशियल सोसाइटी अपने पावर कंजम्पशन के लिए सोलर सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो जहां पर सिर्फ सीलिंग फैंस के पावर कंजम्पशन के लिए 300 किलोवाट का सोलर सोल्यूशन चाहिए था, वहीं पर वही पावर कंजम्पशन 100 किलोवाट के सोलर सोल्यूशन से भी फुलफिल हो जा रहा है। इट मीन्स सिर्फ एक अप्लायंस बदलने से सोलर सोल्यूशन पे लोड कम पड़ा, ओवरऑल लोड कम हुआ और कम पावर जनरेशन वाले सोलर सोल्यूशन को यूज करके हमने उस पावर को फुलफिल किया, उस पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। अगर आप एक सोलर डेवलपर है तो आप इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करके ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक छोटा सा, जहाँ पे एक 100 वॉट का जो सोलर पैनल है वो वन सीलिंग फैन एंड वन एलईडी बल्ब को पावर करता था, अगर वही सीलिंग फैन को हम एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस कर देते हैं तो वही 100 वॉट का जो सोलर पैनल है उससे 3 सीलिंग फैंस को पावर मिल सकता है, साथ ही साथ 2 से 3 एलईडी बल्ब भी जल सकते हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं, अगर आप सोलर डेवलपर हैं, तो इस तरह के न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अगर आप एक सोलर डेवलपर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को समझें, इसके मार्केट को समझें और इसका सोलर से क्या इंटीग्रेशन हो सकता है, कैसे सोलर में इसे यूज किया जा सकता है, ये समझें। एनर्जी एफिशिएंसी का मार्केट बहुत नया है इंडिया में, ये अभी एकदम अर्ली स्टेज पर है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, इसका मतलब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। तो ये थी वीडियो अबाउट अ बिजनेस सेक्टर जो आपके सोलर बिजनेस को ग्रो करने में इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे वर्क को, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही साथ अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, आप अपना सोलर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप मेरे 5 डेज ऑनलाइन सोलर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसको यूज करके आप हर मंथ अपने बिजनेस के लिए 15 से 20 जेन्युइन क्लाइंट्स कैसे जनरेट करें विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग पे बिना कुछ ज्यादा कुछ पैसे लगाए। ये 5 डेज ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है और इसकी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।